चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेंसुरेशन में बच्चे 2D पढ़ रहे थे अपन, और 2D की दो क्लासेस हो गई हैं, तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में अभी भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे। हमें थोड़ा टाइम लग गया फॉर्मूला पढ़ने में, वैसे इतना लगना नहीं चाहिए था। डायरेक्ट मुझे क्या था कि फॉर्मूला लिख देना था, फिर मैं क्वेश्चन के साथ सिखाता तो ज्यादा बेटर होता। बट मैंने फॉर्मूला इसलिए बता दिया आप लोगों को ताकि एक बार रिविजन हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको, बस इसलिए था। तो अभी आप एक काम करिएगा, जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको अपने को लिखना होगा, और कुछ फॉर्मूलेज और हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 फॉर्मूलेज और हैं, उनको आप लिख लीजिए। फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि चीजें बड़ी आसान लगेंगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के सारे फॉर्मूले डिस्कस किया था पहली क्लास में। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया बच्चे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, जिसके सारे फॉर्मूले डिस्कस किया। अब जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे उसका नाम क्या है, पॉलीगॉन। क्या है वैसे, मैं पॉलीगॉन पूरा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, बहुभुज। क्या मतलब होता है, बहुभुज। बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या होता है तो आप बोलेंगे तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज। तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज। मतलब तीन या तीन से मतलब अधिक का अर्थ यह है कि तीन भुजा की बंद आकृति को भी हम बहुभुज बोलेंगे। ट्राइंगल इज ऑल्सो एन पॉलीगॉन। ट्राइंगल जो होता है, त्रिभुज होता है, वो भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। तो तीन भुजा की बंद आकृति हो या चार की हो या पांच की हो या छह की हो, तीन से अधिक जितनी भी हो सभी का हम क्या बोलते हैं, बहुभुज। क्या बोलते हैं, अब बहुभुज के प्रकार होते हैं कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा कहलाता है, त्रिभुज। क्या कहलाता है, और सबसे बड़ा बहुभुज अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, सर्कल। क्या बोलेंगे, सर्कल। सर्कल को क्या बोलते हैं अपन, वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त। तो अभी हम सीधा कंटिन्यू करते हैं बच्चे, बहुभुज पूरा तो मैं डिटेल में अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, ज्योमेट्री वगैरह में आपको बहुभुज अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुभुज का कुछ एक स्पेशल जो टाइप है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। उसमें एक है, उसका नाम क्या है बच्चे, हेक्सागोन। क्या नाम है, हेक्सागोन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं षष्ठभुज। क्या बोलते हैं, षष्ठभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोन। तो लिख लीजिए बच्चे, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चे, समषष्ठभुज। रेगुलर का हिंदी होता है सम, ठीक है, समषष्ठभुज। ठीक बच्चे, अब रेगुलर हेक्सागोन समझिएगा क्या है। पहले कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें डिटेल नहीं जाना, बस फॉर्मूला पढ़ना है। नाम से समझ में आ रहा है, षष्ठभुज। षष्ठ मतलब यहाँ पे हेक्सा, हेक्सा मतलब क्या होता है बच्चे, छह। हेक्सा मतलब क्या होता है, छह। षष्ठ मतलब होता है छह, और छह भुजाओं की बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है आगे, क्या, सम। क्या लगा हुआ है, सम, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, रेगुलर। क्या लिखा हुआ है, रेगुलर। इसका अर्थ क्या होता है, बराबर, सारी भुजाएं क्या हो, बराबर, सारी भुजाएं क्या हो, जहां भी आपको रेगुलर शब्द दिखे, जहां भी हिंदी में सम शब्द सम दिखे, उसका मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। तो हेक्सागोन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, छह। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कितनी भुजाएं हो गई बच्चे, छह। और छह की छह भुजाएं यहाँ पे क्या होंगी, बराबर, तभी ये समषष्ठभुज कहलाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, क्लियर। ये कहलाएगा रेगुलर हेक्सागोन, और सभी की भुजा कितनी है, ए ए ए ए, ठीक है, बस इसको लिख लो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये रेगुलर हेक्सागोन होता है। अब इनको ऐसे जोड़ते हैं तो ये इनके क्या कहलाएंगे, विकर्ण। क्या कहलाएंगे, विकर्ण। ये भी क्या कहलाएगा, विकर्ण, क्लियर है। और सबसे खास बात ये होती है बच्चे इसकी कि यहाँ पे ये ए है तो ये भी ए रहता है, ये भी ए रहता है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये बच्चे सब ए ए रहता है, क्लियर है कि नहीं, बस इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसका परिमाप का फॉर्मूला। दो ही चीज आपको पढ़ना है, एक तो परिमाप और दूसरा एरिया। परिमाप का फॉर्मूला होता है इसके जितनी भी बाउंड्री की लंबाई दी है उन सबका सम, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा बच्चे, सिक्स ए। क्या हो जाएगा, सिक्स ए, ए प्लस ए प्लस ए छह बार है तो सिक्स ए हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एरिया निकालना होगा इसका, क्या निकालना होगा, एरिया। तो एक बात बताइए, एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं
अगर आप बच्चे इसका क्या निकालना चाहते हैं, एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दिख रहा होगा, छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या? ये दिख रहा है ट्राइंगल, ये कौन सा त्रिभुज है बच्चे? ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। और ऐसे कितने त्रिभुज हैं आपके, टोटल त्रिभुज कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ऐसे 6 समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए इसका सूत्र बन जाता है 6√3/4a² क्लियर है? ये फॉर्मूला बन जाता है, क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिख लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, किसका क्षेत्रफल है ये बच्चे? ये सम षष्ठभुज। क्या है बच्चे? सम षष्ठभुज। सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6√3/4a², क्लियर है? और ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 6a। तो ये फॉर्मूला बस याद रख लेना, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो अलग से वहां पे एक बार और डिस्कस करेंगे, बाकी आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल जानने की आपके एग्जाम के लिए अभी जरूरत नहीं है, बस आप इसको लिख लीजिए, क्लियर है? तो ये लिख लीजिएगा सम षष्ठभुज, एक मैंने आपको ये लिखवा दिया। अब एक और लिख लीजिए, वो भी आपके एग्जाम के लिए कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको जब पढ़ रहे हो तो उसको कहीं कॉपी में लिख लोगे तो आ जाए तो कई बार काम बन जाएगा। तो उसको लिखिएगा रेगुलर ऑक्टागॉन। क्या लिखिएगा? रेगुलर ऑक्टागॉन। ये बच्चे सम षष्ठभुज था और वो रहेगा सम अष्टभुज, ठीक है? ये सम षष्ठभुज है और वो रहेगा सम अष्टभुज। तो यहां पे लिख लेते हैं बच्चे, रेगुलर ऑक्टागॉन, ठीक है? हिंदी में लिखिएगा सम अष्टभुज। कितनी भुजाएं हैं यहां पे? 8। अष्टभुज का मतलब कितनी भुजाएं हो गई बच्चे? 8। तो सम अष्टभुज। अब ये सम अष्टभुज क्या होता है इस पे अब हम चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सम अष्टभुज में कुछ और विशेष नहीं है, यहाँ पे 8 भुजाएं हैं बच्चे। कितनी भुजाएं हैं? 8। और 8ों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। क्या होंगी? बराबर। क्यों? क्योंकि शब्द क्या लिखा हुआ है? सम। सम शब्द हटा दो तो मतलब कोई भी लेंथ की हो सकती है, लेकिन सम लगा है और आपके सिलेबस में केवल सम वाला ही रहता है, जहां पे बराबर भुजा रहती है वही आपको हेक्सागोन वगैरह और ऑक्टागोन वगैरह पढ़ना है, क्लियर है? तो यहाँ पे कितनी भुजाएं होंगी? 8। तो इसकी भी आकृति बना लेते हैं, चलिए। तो सम अष्टभुज की एक आकृति बनाइए आप सब लोग मेरे साथ मिलकर। ये जैसे हो गया पहला भुजा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा, ये हो गया सातवा, ठीक है बच्चे? और ये हो गया मेरे भाई 8वां, क्लियर है? बना लो कॉपी में जल्दी जल्दी। ये हो गया अष्टभुज, ठीक है? इसमें कितनी भुजाएं हैं टोटल? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और 8ों की 8ों क्या है? बराबर, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सम अष्टभुज। इसका भी बस कुछ नहीं करना है, इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है। ये पेपर में नहीं आता है, ना के बराबर आता है, ठीक है? ये कब आ सकता है? जब आप कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह के एग्जाम देते हैं और उस वक्त अचानक अगर आप रेलवे वगैरह के दे रहे हैं तो उस वक्त आने के चांसेस रहते हैं, क्लियर है? अगर आप स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं तो ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और ये सिलेबस में भले ना लिखा हो लेकिन ये आ सकता है, बहुभुज में ये आ सकता है, बहुभुज अगर टॉपिक में है तो ये आ सकता है, क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इसका लिख बस लीजिए फॉर्मूला। ये कितनी भुजाएं हैं टोटल? 8। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम अष्टभुज। और सभी भुजाएं क्या है? बराबर। इसका बच्चे यहाँ पे पेरीमीटर तो कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप, परिमाप मतलब होता है बाउंड्री का सम। और कितनी भुजाएं हैं? 8। और 8ों भुजाएं बराबर है तो बाउंड्री का सम क्या हो जाएगा? a+a+a 8 बार होगा तो क्या हो जाएगा? 8a। क्या हो जाएगा? 8a। तो सबसे पहले तो इसी को लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8a। और जो इसका एरिया होगा, एरिया को आपको रटना पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा 2a² ब्रैकेट के अंदर √2+1। इसका भी डेरिवेशन होता है बट आपके लिए अभी फिलहाल में जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि आज मैं इसको क्वेश्चंस कराने वाला हूं तो कुछ और फॉर्मूले बता के सीधा क्वेश्चन पे उतरूंगा, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि दो क्लासेस पूरी फॉर्मूले में चले गई हैं और काफी ये एक क्लास में मुझे कराना था सारी चीजें, ठीक है? बट क्या है कि अपन समझाने में घुस गए इसलिए टाइम लग गया, क्लियर है? तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चे, परिमाप 8a होता है और यहाँ पे एरिया होता है 2a² √2+1। क्या होता है? 2a² √2+1। लिख लेना बच्चे बस इतना फॉर्मूला, अगर वैसे कम चांसेस कम है एग्जाम में आने के, क्लियर है सभी को? लेकिन आ जाए तो कर देना, कोई दिक्कत किसी को? ये सब SSC वगैरह में आ जाता है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने हेक्सागोन भी पढ़ लिया, ऑक्टागोन भी पढ़ लिया, दोनों के फिगर्स भी देख लिए। अब इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा सर्कल। सर्कल की तीन चीजें पढ़नी है बस और फिर कंप्लीट है पूरा, क्लियर है ना? क्या क्या पढ़ना है? एक तो वृत्त के बारे में पढ़ना है, एक अर्धवृत्त के बारे में पढ़ना है, और एक तो त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ना है। बस ये तीन चीज पढ़नी है और उसके बाद फिर सीधा क्वेश्चन करना है, क्लियर है सभी को? तो जल्दी से नोट डाउन करिए इसको और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया सभी का ना? चलो तो हेडिंग में लिखिएगा,
हेडिंग में क्या लिखिएगा बच्चे, अब यहाँ पे लिखिए ये पॉइंट अलग शुरू होता है, लास्ट वाला पॉइंट है सर्कल। ये सब आप ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहां पे पूरा आप डिटेल पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे केवल क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला, क्योंकि आप क्षेत्र में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला से बस मतलब है। तो सर्कल देखिएगा, सर्कल क्या होता है सबको पता है सर्कल के बारे में। तो सर्कल इस तरीके का बनता है, सर्कल की खास बात होती है कि इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है और उस सेंटर पॉइंट से इनकी सभी जगह की दूरी क्या होती है, बराबर, क्या होती है बराबर, ठीक है। तो ये बच्चे क्या हो गया, जैसे ये मैंने वृत्त बनाया, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे बराबर, और ये जो डिस्टेंस बराबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल आर, क्या बोलते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, त्रिज्या, क्या बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेडियस। तो लिख लीजिएगा स्मॉल आर कहीं भी लिखा रहेगा उसका अर्थ क्या होगा, रेडियस, और रेडियस को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, त्रिज्या। तो ये हो गया त्रिज्या, क्लियर है। और एक चीज और समझिएगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और ये एक मैंने लाइन ऐसे करके पूरी बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन क्या कहलाएगा, आर, और यहां से यहां तक भी क्या कहलाएगा, आर। ये लेकिन ये पूरा क्या कहलाता है, व्यास, क्या कहलाता है व्यास। व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर, और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डी से। तो डी का लिख लीजिए, डी का मतलब क्या होगा, डायमीटर, और डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, व्यास। तो लिख लीजिएगा व्यास, ठीक है। और व्यास बराबर क्या होता है बच्चे, 2R, क्या होता है 2R, तो d इज इक्वल टू 2R होता है, क्लियर है। तो बस बच्चे इतनी सी बातचीत है, अब मेन पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को, लिखते भी चलिए साथ साथ, क्योंकि फॉर्मूला से इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, मेन क्वेश्चन पे आपको सीखने को मिलेगा। ये तो केवल मैं थ्योरी बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, वैसे ये सब अगर मेरे पास पीडीएफ भी मैं दे देता तो इतने में भी काम बन जाता, बट मैं खुद बता रहा हूँ तो आप लिख रहे हो तो आपको याद हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, इसीलिए बस बताया जा रहा है। मेन तो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा इसके। तो पहले लिखिएगा बच्चे, सबसे पहले एरिया यहाँ पे इसका क्या, अच्छा इसमें भी दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने शब्द यहाँ पे क्या यूज करता था पहले, परिमाप, क्या यूज करता था परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई, क्या होता है बाउंड्री की, लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्री है वो कैसी है, सर्कुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, सर्कुलर, इसलिए यहाँ पे नाम भी बदल जाता है, जब भी सर्कल का फॉर्म आता है तो नाम बदल जाता है। तो परिमाप की जगह हम इसको क्या बोलते हैं, परिधि, क्या बोलते हैं परिधि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, चीज वही है, चीज वही है, बाउंड्री का सम ही है, बाउंड्री की लंबाई ही है, लेकिन इसका नाम क्या पड़ जाता है, परिधि। तो ये बच्चे जो लेंथ दिख रहा है ना, ये जो मैं येलो कलर से ऐसे कर रहा हूँ, तो ये बच्चे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं इस बाउंड्री को, क्या बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं परिधि, और परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सी से, और याद रखना परिधि बराबर होता है 2πr, क्या होता है 2πr, ये फॉर्मूला होता है इसका, परिधि का। दूसरा एक और होता है बच्चे, क्षेत्रफल, एरिया, और एक क्षेत्रफल तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है πr², क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों को लिख लीजिए आप लोग, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, बाकी अब बाद में चीजें सीखेंगे, क्लियर है क्वेश्चन के साथ, पहले बस इतना लिख लो, उसके बाद फिर आइए सेमी सर्कल में। पहला क्लियर है सभी को, यही दो मेन यूज होंगे, बाकी चीजें अपन देखेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले इन दोनों को लिख लीजिएगा सर्कल, तो सर्कल आपने लिख लिया होगा, सर्कल को नोट कर लो। अब क्या पढ़ेंगे, सेमी सर्कल, क्या पढ़ेंगे, सेमी सर्कल। दूसरा लिखिएगा अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का हिंदी मतलब क्या है बच्चे, अर्धवृत्त, वृत्त का आधा, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा कहानी है, एक वृत्त बना लो और उसको क्या कर दो, आधा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। एक सर्कल बनाओ ऐसे और उसको बीच से क्या कर दो, काट दो। तो जैसे ये मान लो ये सर्कल है, सर्कल का आधा हिस्सा ये हुआ, अरे यार ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त, वृत्त का क्या हो गया, आधा, तो ये अर्धवृत्त कहलाएगा। और अर्धवृत्त के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो वृत्त का पूरा आधा है, तो ये सेंटर पॉइंट होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, क्लियर है कि नहीं। अच्छा ये जो है ये क्या कहलाएगा, परिधि, और परिधि भी आधा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ये बताइए कि इस अर्धवृत्त का, इस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, तो परिधि क्या होगी, ये देखो पहले क्या था 2πr, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो 2πr का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr, क्या हो जाएगा,
लेकिन ये पाई आर बस नहीं कहलाएगा, ये वाला आर भी तो है और ये वाला आर भी तो है, तो आर प्लस आर साथ में क्या हो जाएगा, टू आर। तो परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस टू आर, याद रखिएगा क्या होता है पाई आर प्लस, क्योंकि ये तो बाउंड्री है, बाहर वाला तुमने निकाल लिया पाई आर, पहले टू पाई आर था उसका आधा कर दिए तो पाई आर हो गया, लेकिन इधर वाला भी तो ये भी तो लेंथ आपको लेना पड़ेगा ना, तो ये आर प्लस आर क्या हो गया, टू आर। तो ये परिधि का होता है पाई आर प्लस टू आर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चे इसका एरिया, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, एरिया मतलब क्षेत्रफल जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कंप्लीट का एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा आधा, तो लिख लीजिएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, क्लियर है। बस बच्चे ये हो गया सेमी सर्कल का कहानी, इसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे, ठीक है। यहां तक आपका सेमी सर्कल भी कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत। अब हम आगे लिखते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए सबसे पहले, तभी बच्चे यहां तक हो गया। अगला लिखिए हेडिंग में सेक्टर, क्या लिखिएगा सेक्टर, त्रिज्याखंड, बस इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। तीसरा लिखिएगा सेक्टर, सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, सेक्टर को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। अभी त्रिज्याखंड क्या है मेरे भाई, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्याखंड एक काम करते हैं, समझाएंगे क्या ये सब चीजें, कब डिटेल में पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, बस अभी लिख बस लो, फालतू में क्यों अभी भी टाइम वेस्ट करें, फिर ज्योमेट्री में भी टाइम वेस्ट करें, तो कोई मतलब नहीं, एक जगह करेंगे केवल ज्योमेट्री में। तो पहले त्रिज्याखंड लिख लो इसका, त्रिज्याखंड होता क्या है थोड़ा मैं समझा बस जरूर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक सर्कल बनाओ, पहले इसका डायग्राम से समझा रहे, सर्कल है, अब ये सर्कल है तो इसका साथ में क्या होगा बच्चे, सेंटर पॉइंट, क्या होगा सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से आप क्या खींचेंगे ऐसे, ये क्या कहलाएगा त्रिज्या, क्या कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा त्रिज्या, नाम क्या है त्रिज्या खंड। तो दो त्रिज्या तुमने बनाया और ये दो त्रिज्या से एक खंड बन रहा है, दिख रहा है ये खंड, ये खंड दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या खंड, इसी को हम क्या बोलते हैं त्रिज्या खंड। ये पूरा मतलब एरिया का ही छोटा सा भाग है, क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है, उसे आप क्या बोल रहे हैं त्रिज्या खंड, और वहां पे कौन इसको डिवाइड कर रहा है त्रिज्या, कौन कर रहा है त्रिज्या, तो बस ऐसे याद रखना है, इसको हम आर बोलेंगे, इसको भी आर बोलेंगे, और ये त्रिज्या खंड है, क्लियर है बच्चे। अच्छा ये त्रिज्या खंड है तो बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, तो ये एंगल का नाम हम क्या दे देते हैं थीटा, क्या दे देते हैं थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसका एरिया वगैरह लिख लो, परिधि लिख लो, एरिया लिख लो। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो इसको छोटा सा कहीं अलग से कट करके भी बना सकता हूं, तो मैं एक काम करता हूं यहां पे ऐसे बना देता हूं इसको अलग से फिगर, जैसे ये और जैसे ये फिगर, अब ऐसे करके जोड़ दिया अभी, ठीक है। अब ये बताओ ये आर है और ये आर है, ठीक है। अब ये अब इसका क्या लिखना है, ये प्रॉपर क्या कहला रहा है त्रिज्याखंड, इसी का ये वाला हिस्सा निकाल के मैंने अलग बना दिया, क्लियर है। और यही प्रॉपर क्या कहलाता है त्रिज्याखंड, क्या कहलाता है त्रिज्याखंड। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये यहां पे इसको पूरा नाम क्या दिया गया था परिधि, क्या दिया गया था, लेकिन ये पूरा परिधि तो है नहीं, छोटा सा भाग है, परिधि का ही भाग है कि नहीं है, छोटा भाग है परिधि का। तो इसको हम लोग देते हैं बच्चे लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, क्या बोलते हैं चाप की लंबाई, इंग्लिश में लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, और हिंदी में लिखेंगे चाप की लंबाई। अच्छा कोई अगर पूछे चाप की सबसे बड़ी लंबाई क्या होती है, चाप की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी, तो क्या कहलाएगी परिधि, क्या कहलाएगी। देखो चाप की लंबाई पहले यहां तक है, अगर पूरा मैं ले जाऊंगा सर्कल के फॉर्म में तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे परिधि। तो चाप की सबसे बड़ी लंबाई क्या होती है परिधि, वृत्त की परिधि, क्या होती है वृत्त की परिधि, क्लियर है। वृत्त की परिधि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया चाप की लंबाई, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर का जो ये भाग जो दिख रहा था ना, जैसे डैश डैश मैंने किया था, ये इसका एरिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, क्या कहलाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, और ये क्या कहलाएगा परिधि की चाप की लंबाई, यहां तक क्लियर है सभी को। आइए अब इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, बस अब फॉर्मूला, बस ये मैंने थोड़ा जितना बताना था बता दिया, इसका डिटेल आप कब पढ़ोगे ज्योमेट्री में, अभी बस फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, पहला फॉर्मूला लिखिए बच्चे यहाँ पे आप लोग इसका, ये लिखिए पहले इसका क्या, दो ही चीज पढ़ना है हमें, पहला क्या पढ़ना है आपको, पहला पढ़ना है इसमें सर्कमफेरेंस, क्या पढ़ना है मतलब इसका बाउंड्री का सम, हाँ या ना। तो ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख ले सर्कमफेरेंस को सी लिख लेते हैं, चलेगा। आर प्लस आर क्या हो गया टू आर, यहां तक क्लियर है।
अब इसकी लंबाई चाहिए, तो याद रखना चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है जो जिसका डिटेल हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। अभी बस आपको लिखना है डायरेक्ट ये क्या होता है, 2πr। देखो इसका भी क्या था, चाप की लंबाई 2πr था, तो यहां भी क्या रहेगा 2πr। बस एक चीज अंतर आ जाएगा कि इसके साथ थीटा बटा क्या हो जाएगा 360, जो एंगल है बटा 360। अगर ये थीटा पूरा 360 होगा पूरा, तो 360 बटा 360 कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 2πr। क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से याद कर लेना। तो याद रखना चाप की लंबाई बराबर क्या होगा 2r प्लस 2πr थीटा बटे 360। क्लियर है, इसको लिख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला लिख लो अभी, ठीक है। दूसरा बच्चे इसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सेम पूरे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या है थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बटा 360। क्लियर है कि नहीं, थीटा बटा 360। तो इतना लिख लीजिए पहले आप सब लोग, और इतना काफी है अभी के लिए। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। हो गया बच्चे, अच्छा चाप की लंबाई कोई पूछे तो डायरेक्ट बोल दिया करो ना, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360, यहां लिख दिए, ठीक है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360, ये सब बाद में बाकी पढ़ेंगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे से बता देंगे, पहले लिख बस लो कॉपी में अच्छे, ताकि दोबारा जब बताए तो अच्छे से क्लियर हो जाए। आखिरी लिखिएगा इसके बाद सेगमेंट, क्योंकि आज क्वेश्चन कराना है ना मुझे, टाइम आज नहीं बर्बाद करना है। चलो लिख लो जल्दी से, हो गया। अगला हेडिंग में लिखो वृत्तखंड, सेकेंड लास्ट है, फिर उसके बाद आखिरी रहेगा एक और वृत्तखंड। अभी ये क्या है त्रिज्या खंड, अब वो क्या है वृत्तखंड। वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेगमेंट, क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो आगे चले, लिख लिया सबने, चलिए तो वृत्तखंड के बाद अगला लिखिएगा कौन सा नंबर होगा ये, अभी तक कितने हुए हैं ये सर्कल के, पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखेंगे। चौथा बच्चे लिखेंगे क्या सेगमेंट, सेगमेंट का हिंदी क्या होता है वृत्तखंड, क्या होता है बच्चे वृत्तखंड। अब ये वृत्तखंड क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ये मैंने क्या लिखा वृत्तखंड, ठीक है। अब ये वृत्तखंड है क्या, तो सबसे पहली बात वृत्तखंड कैसे होता पहले समझाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं सर्कल बनाते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा आपको समझ में आएगा। किसका खंड है ये बताओ, यहाँ पे वृत्त का, इसके पहले किसका खंड था त्रिज्या, अभी किसका है वृत्त का। तो कुछ नहीं होता, सिंपल सी कहानी, एक सर्कल बनाओ, समझाने के लिए एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। अब इस वृत्त को आप खंडित कर दो, खंड कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक लकीर खींच दिया, ये जो लकीर खींचते हैं ना इसको बोलते हैं जीवा, क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में पढ़ोगे जीवा, जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्ड, सर आपका जो सर्कल टॉपिक है ना वो ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसको जीवा, जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉर्ड, क्या बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग क्या नाम दे दिए बच्चे, जीवा लिख देते हैं। अब जैसे आपने एक जीवा खींचा तो ये वृत्त कितने हिस्सों में बढ़ गया, कितने हिस्सों में बढ़ गया जल्दी बताओ, दो हिस्सों में, ये हो गया पहला हिस्सा हाँ या ना, और एक हो गया बच्चे दूसरा हिस्सा हाँ या ना। तो ये वृत्त कितने हिस्सों में बढ़ गया, दो हिस्सों में। जो छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है ठीक है ये भी आपका सेगमेंट कहलाएगा और ये भी आपका सेगमेंट कहलाएगा, क्लियर है। तो दोनों सेगमेंट कहलाएंगे, दोनों वृत्त के ही ना खंड है, लेकिन एक है वृत्त का छोटा खंड और एक है वृत्त का बड़ा खंड। तो जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, लघु वृत्तखंड, क्या बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं माइनर, माइनर सेगमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं लघु वृत्त, लघु मतलब क्या होता है छोटा, क्लियर है। और दूसरा जो बड़ा वाला दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलते हैं दीर्घ, और दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे मेजर, क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट, सही है। हिंदी में क्या लिखेंगे दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड, क्लियर है कि नहीं। तो एक है लघु वृत्तखंड और एक है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है बच्चे। अब यहां पे कहीं पे बीच में क्या होगा सेंटर, क्या होगा सेंटर, सर्कल का सेंटर होगा, सही है कि नहीं, सर्कल का क्या होगा सेंटर। अब इस सेंटर से यहां पे क्या खींचा जाएगा,
क्या है ये? त्रिज्या। क्या है ये? त्रिज्या। समझ रहे हो कि नहीं? बस मैंने डायग्राम बना दिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ये बताइए लघु वृत्तखंड कौन सा पोर्शन कहलाएगा, ये वाला, समझ में आया? ये लघु वृत्तखंड है और दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे थीटा कहाँ पे होगा, ये बीच का एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। ठीक है, जैसा बनता है सही है, लिख लो, बस बना लो इस डायग्राम को अच्छे से, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, बस ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला का डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी बस लिखना है क्योंकि समझ में कम आएगा, अभी कम इसलिए आएगा क्योंकि ज्योमेट्री आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए आप बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको बना बस लीजिएगा। बना लिए, चलिए अब लिख लीजिए फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूँ, डायग्राम तो समझ में आ गया ना? ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे एरिया, पहले क्या लिखेंगे? एरिया। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये किसका फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा? त्रिज्याखंड का। वेरी गुड, किसका होता है? त्रिज्याखंड मतलब ये पूरा वाला फॉर्मूला, हाँ या ना? ये पूरा एरिया निकल गया यहाँ से, क्लियर है? तो अभी इसको हमको ये पूरा चाहिए था कि इतना हिस्सा चाहिए? हमें तो इतना ही हिस्सा चाहिए ना, ये पूरा तो चाहिए नहीं, तो इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। ये आर है, ये भी क्या है? आर। ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और ये थीटा है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्लियर है? अभी आप लिख बस लेना, बाद में डिटेल में क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, समझ में है? तो आप एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो वृत्तखंड का एरिया आएगा, क्लियर है कि नहीं? सही है बच्चे, लिख बस लो आप लोग। चलिए ये लिख लिया, अब एक और लिख लो बच्चे, पेरीमीटर। पेरीमीटर बोल लो या परिमाप बोल लो, कुछ भी है, ठीक है? पी फॉर पेरीमीटर है, परिमाप है। अब परिमाप का क्या फॉर्मूला होगा? पहले आपको ये वाला लेंथ निकालना होगा, हाँ या ना? और फिर उसके बाद ये वाला लेंथ, इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके बनेगा। तो आप लिख बस लो, डिटेल मत जानना अभी फिलहाल में, बाद में पढ़ाएंगे। 2π, ये वाला तो आप आसानी से निकाल लोगे, लंबाई क्या होता है? 2πr थीटा बटा 360, जिसको चाप की लंबाई बोलते थे, क्लियर है? अब यहाँ पे लिख लो बच्चे, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? ये वाला लेंथ निकालने के लिए, इसके लिए बकायदा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, वो भी जानना नहीं है, बस लिख लेना है 2r sin θ/2। बस जो बोल रहा हूँ लिख लेना, कम आता है पेपर में, लिखना बस है आपको, एक बार जब जरूरत पड़ेगा तो मैं खुद सिखाऊंगा, क्लियर है कि नहीं? 2r sin θ/2, ये क्यों आया, क्या आया, अभी डिटेल बताऊंगा तो आज की क्लास इसी में चला जाएगा, क्लियर है? इसको अलग से पढ़ा जाता है ज्योमेट्री वगैरह में, क्लियर है कि नहीं? तो अभी फिलहाल के लिए लिखिएगा 2r sin θ/2, ज्योमेट्री का पोर्शन याद रहेगा। चलिए तो ये आप दोनों ने लिख लिया इसको, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा। अभी फिलहाल में क्वेश्चंस कम आएंगे इसके, ज्यादा आएंगे जो मैंने पहले पढ़ाया, ट्राइंगल का या आपका क्वाड्रिलेटरल का, इनके कम आते हैं, ठीक है? और आएगा भी तो सर्कल का आएगा, केवल किसका आएगा? सर्कल, और वो भी क्या? अर्धवृत्त का मैक्सिमम, ये सब बहुत कम आता है, क्लियर है? चलिए अगला लिखिएगा बच्चे, लास्ट पोल, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट ऐसे लिखवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन यूज होगा तो काम आएगा। पहले यहां तक क्लियर है? सबने लिख लिया है? तुमने लिख लिया है? चलो इससे एप्लीकेशन पे आधारित लिखिएगा, एक नोट बस करेगा, कोई फिगर उगर नहीं है, बस पॉइंट है, सर्कल से संबंधित है इसलिए लिखवा रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन, डिस्टेंस हिंदी में बोलेंगे अभी, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन एन राउंड ठीक है, इसका अर्थ ये है एन चक्करों में चके के द्वारा चली गई दूरी, एन चक्करों में चके के द्वारा चली गई दूरी, हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिए, एन चक्करों में, चक्कर जानते हो ना, राउंड, ठीक है, एन चक्करों में चके के द्वारा चली गई दूरी, चका मतलब जान रहे हो, व्हील, ठीक है, पहिया, ठीक है, तो एन चक्करों में, एन चक्करों में चके के द्वारा चली गई दूरी बराबर, ठीक है, पहले समझाएंगे, मतलब समझा देंगे, अभी लिख लेना, पहले लिखिएगा कितनी दूरी चलता है चका, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 2πr(n), लिख लेना 2πr(n), दूरी बराबर 2πrn, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, दूरी, तो हिंदी में लिख लीजिएगा दूरी बराबर 2πrn। कहने का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका बता रहे हैं, मतलब जैसे मान लो ये एक चक्कर है,
ये एक राउंड है, यहां से तुम चलते हो साइकिल चलाना शुरू करते हो। क्या शुरू करते हो? साइकिल क्या है मतलब, देखो कि बच्चे लोग खेलते थे, एक पहिया होता था ऐसे लेके जाते थे, रोलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो पहिया तुमने यहां से पकड़ा और इसको पूरा तुमने यहां से एक चक्कर मारा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, अगर तुम एक चक्कर मारते हो, छोड़ो, तुम्हारा पहिया अगर एक चक्कर घूमता है, तुम्हारा पहिया कितने चक्कर घूमता है? छोड़ो इसको भी, छोड़ो यहां से, छोड़ो इसे, डायरेक्ट बताते हैं। तुम्हारा पहिया जो है, पहिया जान गया है, पहिया किस शेप में होता है? सर्कल के शेप में, और वो एक बार घूमता है, क्या कितनी बार घूमता है? एक बार घूमता है। तो आप मुझे बताइए कि पहिया अगर एक बार घूमेगा तो ये सर्कल जैसा होता है पहिया, तो मान लो ये एक चक्कर घूमेगा तो पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? ये पूरा ना, जितनी इसकी लंबाई होगी, हाँ या ना? एक साइकिल, तो एक साइकिल की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई। अगर एक चक्कर मारोगे तो कितना दूरी तय करोगे? 2 पाई आर। एक चक्कर मतलब टायर का एक चक्कर, किसका एक चक्कर? टायर का एक चक्कर, व्हील का एक चक्कर, क्लियर है कि नहीं? व्हील अगर एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। और ऐसे कितने चक्कर मार रहा है आपका व्हील? एन। कितने चक्कर मार रहा है? एन। तो अगर एन चक्कर मारेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। एन, क्लियर है? एक चक्कर मारने में कितना दूरी टायर चलता है? 2 पाई आर। कितना चलता है? 2 पाई। क्यों? क्योंकि इसका जो लंबाई होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्लियर है कि नहीं है? व्हील की जो लंबाई मतलब जो लेंथ होता है उसका पूरा परिधि का, वो क्या होता है? 2 पाई। तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर दूरी तय करते हो। तो ऐसे मान लो मैंने बोला कि मैं गाड़ी चलाता हूँ और 100 चक्कर मारा हूँ, मेरा टायर जो है वो कितने चक्कर मारा है? तो क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन एन राउंड, मतलब मेरा जो चक्का है वो 100 चक्कर मारा है। चक्का कितने चक्कर मारा है? 100। और एक चक्कर मारता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 पाई आर। अच्छा, 100 चक्कर मारेगा तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 से गुणा करोगे तो कुल कितनी दूरी चला ये पता चल जाता है। इसी तरीके से आपका जो होता है ना गाड़ी में जो डिस्टेंस बताता है, ठीक है, मीटर वगैरह जो बताता है ना कि कितने दूरी तुम तय की हो, तो वो इसी माध्यम से बताता है। क्लियर है कि नहीं है? कि एक सर्कल का कितना है, मतलब उस टायर का एक का कितना है और कितना चक्कर मार रहा है वो, तो गुणा करके बता देता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए? चलिए, खैर ये तो क्वेश्चन के साथ हम सीखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए मैंने बता दिया। अब बच्चे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूले सारे खत्म है, ये पूरा मैंने 2D के जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे मैंने सारा बता दिया। अब आपको मजा आने वाला है, क्वेश्चन शुरू करेंगे अब करना। लेकिन एक चीज और है, जो बच्चा पिछली क्लासेस अटेंड नहीं किया है उसका जरूर वीडियो देख लेगा, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वही फॉर्मूला मैं फिर से बताऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे शुरू करेंगे कहाँ से? मेंसुरेशन के 2D में सबसे पहले क्या कराएंगे? ट्राइंगल के क्वेश्चन। किसके कराएंगे? ट्राइंगल, त्रिभुज के क्वेश्चन। और ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये PDF के फॉर्म में और सीट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके सामने है, बस इसको पढ़ना है और मैं सॉल्यूशन करूंगा, आपको क्वेश्चन नंबरिंग डाल के सॉल्यूशन लिखते जाइएगा बस। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज बोला है पहले ये पढ़ो, समबाहु। और समबाहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो जैसे समबाहु त्रिभुज बोला तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए ये वाला त्रिभुज, और तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि सभी भुजाएं क्या होती है इसकी? बराबर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद बोला है इसका क्या दिया है? क्षेत्रफल। क्या दिया है? क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। तो आपको एरिया गिवन है, क्लियर है सभी को? तो एरिया आपको दे दिया है। अब आपको क्या पूछा है? त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज की भुजा। भुजा मतलब क्या निकालना है? स्मॉल ए, मतलब ये जो ए सेंटीमीटर की लंबाई है ना, ये निकालना है। क्लियर है? तो आपको सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है? तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं अगर आपसे पूछूं, तो एरिया बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4a² इसमें कुछ में फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? बस ट्रिपलेट जहां आएगा वहां फॉर्मूला नहीं लगेगा, बात समझ में है? इसमें तो लगेगा, ये जरूरी है आपको याद करना, √3/4a² इसका फॉर्मूला होता है। और एरिया आपको दे दिया है कितना? 49√3। अब ये बताइए, यहाँ पे रूट थ्री है और अपॉन में 4 है, और आपको a की वैल्यू निकालना है, स्मॉल a की वैल्यू निकालना है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 49 से ये 4 है, तो त्रियक गुणा होगा तो 49 गुणा क्या हो जाएगा? 4। और ये क्या बचेगा? a² अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट। तो रूट लग जाएगा, 49 गुणे क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ निकल जाएगा a। तो 49 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। और 4 का रूट करो कितना आ जाएगा? 2। और 7 × 2 कितना होता है? 14। मतलब ये भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? समझ में, हाँ या ना? 49 गुणा 4 मत कर देना ना,
49 का 7 हो गया, 4 का 2 हो गया। पहले कोशिश करो कि गुणा मत किया करो, तोड़ तोड़ के सॉल्व किया करो। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां से आपका आ गया। जब मैं कराया करूं तो आप कृपया करके अपने से ना करें, घर में करिएगा अपने से। अभी केवल सीखिए, समझिए कैसे कर रहा हूं, फिर लिखिए, उसके बाद घर में इसको 4 बार बनाइए। क्लियर है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, नोट करके लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन। बस आपको इसके लिए ये याद रहना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? हो गया बच्चों, क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। पहला क्लियर हुआ सभी को? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा इजी था, आइए कुछ क्वेश्चन और करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन क्या, आराम से पढ़िएगा, अभी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, बस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, केवल लैंग्वेज सीखना है अभी। ठीक है, और घर जाके इसको 4 बार फिर जरूर बना लेना। अभी क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बोला है? समबाहु। समबाहु का मतलब फिर से वही होता है, क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोला है? एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक, संख्यात्मक मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो उसकी नंबर वाली वैल्यूज है, जो भी इसका एरिया है। ठीक है, संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है परिमाप का। कुछ नहीं, सिंपल सा लैंग्वेज है, जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो डबल है किसका? पेरीमीटर का। किसका डबल है? पेरीमीटर का, परिमाप का। तो यहां पे मान लो इसका परिमाप p है, और p का डबल कर दोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? एरिया के बराबर। किसका एरिया के बराबर आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज। यही कहना चाहता है कि जो भी इसका परिमाप है उसका 2 गुना करने पर वो किसके बराबर है? एरिया के बराबर, वो उसका संख्यात्मक वैल्यू इसके बराबर है। यही बोला है। ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ो बस, क्लियर है ना? फिर उसके बाद बोला है उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या निकालना है? ए। ये क्लियर है? और कुछ भी दिया है क्या? नहीं। तो आइए एक काम करते हैं, जो दिया है उसी से काम चलाएंगे और ए निकालेंगे। तो क्या दिया है? एरिया बराबर 2p। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4a2। यही होता है, और यहाँ पे 2 हो गया। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप मतलब तीनों भुजाएं बराबर, ए ए ए क्या हो जाएगा? 3a। क्या ये क्लियर है सभी को? बस बच्चे इसको सॉल्व कर दो, और यहां से क्या निकल जाएगा? a। क्या निकल जाएगा? a। कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो आप एक काम करो, ये ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी रुको, a से a कट गया, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? √3/4, केवल a बचा, और ये 2 × 3 = 2 × क्या है? ये 3 है। पहले बताओ इतना के लिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है चैप्टर में? ठीक है, केवल कैलकुलेशन है, सीखना है साथ में। आपको पता होगा 3 का मतलब क्या होता है? √3 × √3। 3 को हम ये लिख सकते हैं √3 × √3। जब किसी भी रूट का 2 बार गुणा होता है तो वो संख्या आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये √3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 कटेगा तो क्या बचेगा? केवल √3, क्योंकि 3 के पास √3 2 बार होते हैं, तो 1√3 और 1√3 कैंसिल हो जाएगा, 1√3 बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो कायदे से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 उधर चला जाएगा, त्रिअंक गुणा, तो 4 × 2 = 8। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 8√3। ये आ जाएगा बच्चे इसकी भुजा की लंबाई। क्लियर है कि नहीं? तो जब भुजा की लंबाई आ गई, आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a2। तो इसका स्क्वायर करना है, तो 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। बस सॉल्व कर दो तो 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 16 × 3 क्या हो जाएगा? 48। आंसर आ जाएगा 48√3। ये क्वेश्चन का जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कैलकुलेशन था, क्वेश्चन में दम नहीं था, मेंसुरेशन वगैरह में दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे केवल कैलकुलेशन करना है। जब आप अंकगणित पढ़ते हैं तो वहां पे दिमाग लगाना रहता है। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है, थोड़े से फॉर्मुलेज हैं जो आपको इसको कैसे हुआ ये बताते हैं। पहले बताइए यहां तक क्लियर है?
ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। क्या होता है रूट थ्री बाई फोर, तो ये रूट थ्री बाई फोर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है एट रूट थ्री। अब ए का स्क्वायर करूंगा तो देखो यहाँ पे आठ का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 64, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 64। और रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 3, तो मैंने वहां डायरेक्ट 3 लिख दिया। अब बस बच्चे इसको सॉल्व कर दिया, 16 तीन 38, 48 और 48 रूट थ्री बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब आ गया। क्लियर है कि नहीं, और कोई डाउट है इस टॉपिक में? बिल्कुल आसान टॉपिक है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहता है और कैलकुलेशन हम अलग से सीखते हैं, वो बेसिक बेसिक धीरे धीरे करके मैथ सीखने में आता है। जैसे कि वैदिक वैदिक को भी सीखते हो तो काफी हेल्प मिलता है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आए? इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया क्लियर बच्चे, समझ में आए? लिख लीजिए जल्दी से। हो गया बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आराम से पढ़ना है, बहुत तसल्ली से, बड़ा इजी टॉपिक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ दिमाग कम लगाना है, फॉर्मूला ज्यादा याद रखना है, ठीक है, इन टॉपिक में खासकर। बाकी अंकगणित में तो कोई सूत्र ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये इजी वाले हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्विलेटरल का यूज होता है, बल्कि आइसोस्केलस का नहीं होगा। जो फॉर्मूले कठिन दिखेंगे वो यूज नहीं होंगे, जो आसान दिखेंगे केवल वही वाले होंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल का बहुत ईजी फॉर्मूला होता है इसलिए यूज हो रहा है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए, एक बार मस्त क्वेश्चन है, पहले मैं समझाता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब समझ रहे हो, जिसकी तीन भुजाएं क्या है बराबर, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लो, ये है एबीसी, इसका नाम रख दो, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। यहां पे देखो क्या लिखा है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं मिड पॉइंट, मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु है कोई, इस भुजा का भी मध्य बिंदु है कोई, इस भुजा का भी मध्य बिंदु है भी कोई, और वो कोई कौन है, पी क्यू और आर। क्लियर है, तो यहाँ पे पी जो है वो किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, तो ये ए बी है तो इसका मध्य बिंदु बना दो, इसका नाम क्या रख दो पी, और जो Q है वो किसका मध्य बिंदु है, BC का, तो Q मध्य बिंदु है बच्चे किसका, BC का। उसी प्रकार से R किसका मध्य बिंदु है, AC का, तो यहाँ पे R बना दो। क्लियर है कि नहीं, मध्य बिंदु मतलब ये होता है कि यहां से और यहाँ, यहाँ और यहाँ दोनों की दूरी क्या होगी, समान, सेम हो जाएगी। मिड पॉइंट मतलब मिड, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, सेम, इनकी दूरी भी सेम, इनकी दूरी भी सेम, ठीक है। अब क्या बोला है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब इस ट्राइंगल की लंबाई दे दिया है, इस ट्राइंगल की लंबाई कितनी दिया है बच्चे 4, ये पूरा लेंथ दे दिया है कितना 4, और ये कौन सा त्रिभुज था बताओगे, थोड़ा समबाहु, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा 2, 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 क्योंकि 4 सेंटीमीटर लंबाई दिया है त्रिभुज का, मतलब चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होंगी 4 4, कितनी होंगी 4 4, तो ये आधा 2 आधा 2 2 2 2 2, यहां तक क्लियर है सभी को, मैंने पूरा बना दिया, बनाने की भी आवश्यकता इतनी नहीं है। आगे पढ़ते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल पूछा है, किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, PQR। अब आपको PQR को जोड़ देना है, किसको जोड़ देना है, PQR को, तो PQR को जोड़ेंगे तो ये PR हो गया और ये Q हो गया, PQR को जोड़ोगे तो एक नया त्रिभुज बन रहा है, तो इस वाले त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्या निकालना है, ये वाले त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठता है, समझ में आ रहा है, एक बात याद रखना, इसका डेरिवेशन भी बता सकता हूं लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, सही है, उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर जो बना आकृति होगा वो भी, पहली बात तो त्रिभुज होगा, वो भी पहले क्या होगा, कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु या कोई भी भुजा हो, कोई भी चतुर्भुज हो या कुछ भी हो,
उसके अगर त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, और कौन से त्रिभुज को, समबाहु को, और मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उसके अंदर भी एक त्रिभुज बनता है, और जो त्रिभुज बनता है वो भी समबाहु होता है। वो भी क्या होता है, याद रखना, किसी भी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बना त्रिभुज भी क्या होगा, समबाहु। क्या होगा, क्लियर है? मतलब इनकी भी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। इनकी भी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अब वो भुजा कितने के बराबर होगी, जो ये इसका आधा, ये पूरा कितना था, चार, तो आधा कितना होगा, दो। तो इसकी भुजा भी दो हो जाएगी, इसकी भी दो हो जाएगी, इसकी भी दो। ऐसा क्यों होता है, इसका क्यों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट याद रखिएगा कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कुछ फिगर, हाँ या ना, ये एक रोम्बस होता है। क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये बताओ, ये वाली भुजा कितनी है, बोलो कितनी है। तो ये भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, और ये भी कितनी है। समझे कि नहीं समझे, इसलिए बच्चे ये इनकी आधी हो जाती है, जो ये भुजा रहता है। क्लियर है कि नहीं, बट इतना डिटेल नहीं जानना है, बस आपको इतना याद रखना है, किसी भी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर जो बना त्रिभुज होता है वो भी समबाहु होता है। वो भी क्या होता है, और वो हमेशा आधा होता है। इसका डेरिवेशन के साथ होता है, ये सब ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन अभी आप ये डायरेक्ट याद रखना। क्लियर है? तो मुद्दे की बात यह है कि आपको इसी PQR का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का, तो वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा यहाँ पे कितना हो गया है, दो। पूरा भुजा कितना था, चार, तो उसका आधा कितना हो गया है, दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला लगा दो, √3/4 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया आंसर, √3। तो इसका एरिया आ जाएगा बच्चे क्या, √3। यही होगा क्वेश्चन का जवाब। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लिखना, मतलब ये सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है, लेकिन वो थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बना जो त्रिभुज होता है वो भी क्या होता है, समबाहु। लेकिन उसकी भुजा हमेशा क्या होती है, ओरिजिनल वाले की आधा। ओरिजिनल वाली क्या होती है, आधा। क्यों होता है, इसमें दो कहानी है, या तो आप चतुर्भुज से भी प्रूफ कर सकते हैं, या तो आपको एक सिमिलैरिटी वगैरह पढ़ाया जाता है ज्योमेट्री में, वहां से भी सिद्ध, समरूपता उससे भी सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन हम अभी दोनों चीज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज किसमें पढ़ते हैं आप, ज्योमेट्री में। अभी इसमें बस फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बनी त्रिभुज भी समबाहु होती है, और उस नए त्रिभुज की भुजा आधी होती है। क्या होती है, आधी। ठीक है, किसी भी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बनी त्रिभुज भी समबाहु होती है, और उस नए त्रिभुज की भुजा क्या होती है, आधी। क्या होती है, किसकी आधी, ओरिजिनल वाले की। किसकी आधी होती है, जैसे ओरिजिनल की भुजा कितनी थी, चार, तो उसकी आधी कितनी है, दो। तो छोटे वाले त्रिभुजों की भुजा भी कितनी होगी, दो। क्लियर है? चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, चलें चौथे में। समझ में आ रहा ना बच्चे? ठीक है, तो बहुत आराम से पढ़िए, फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खासकर इक्विलेटरल ट्राइंगल का। समबाहु के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं, और ज्यादा नहीं है, 2-3 फॉर्मूले हैं बस, एक एरिया का और एक हाइट का, बस। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर। आराम से पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, एक एक लाइन पढ़ो और जितना समझ में आए उसको लिखो, तभी आ पाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम आपको बहुत आराम से पढ़ाने वाले हैं, बढ़िया आराम से लिखिए। अभी आपको करना क्या, पढ़ाई कैसे करना होता है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको केवल सुनना है और समझ के कॉपी में लिख लेना है। फिर जब आप घर जाएंगे तो इसी को दोबारा करेंगे, तिवारा करेंगे, चार बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, चार, तब आपके दिमाग में बैठेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं तुरंत दिमाग में हो जाए और उसको घर में ना पढ़ना पड़े, तो ऐसा संभव नहीं, खासकर गणित के साथ और खासकर कुछ टॉपिक्स के साथ। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आपको इसको घर में देखना ही पड़ेगा, और कितनी बार, चार बार। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, क्लास में जब बैठे रहते हैं तो जो मैं पढ़ाता हूं तो खुद ही सॉल्व करने लग जाते हैं, और जो मैं पढ़ाता हूं उस वक्त ध्यान नहीं देते, तो उनको तकलीफ होती है। क्लियर है कि नहीं? तो आप एकदम कूल होकर बैठिए, जो जो बता रहे हैं सारी बात सुनिए, जितना सुनेंगे उतना बेनिफिट होगा। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है, एक त्रिभुज का परिमाप, अच्छा कौन सा त्रिभुज है बताया है क्या, नहीं, लेकिन एक त्रिभुज है उसका क्या दिया है, परिमाप। परिमाप मतलब होता है बच्चे पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना दिया है, 100। ठीक है ना, बाउंड्री की लंबाई दिया है 100, तीनों भुजाओं की लंबाई दिया है 100। यहां तक क्लियर हुआ? फिर पढ़िएगा आगे, यदि इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, अच्छा इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर है, दो, और दोनों भुजाएं जब बराबर होती है तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं,
कम दुई बाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल, क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सम दुई बाहु त्रिभुज। तो हमें यह समझ में आ गया कि जो हमें त्रिभुज बनाना है वो कौन सा त्रिभुज है बच्चे, सम दुई बाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, सम दुई बाहु त्रिभुज। तो हम एक काम करते हैं, सम दुई बाहु त्रिभुज बना देते हैं, क्लियर है कि नहीं, और ये सम दुई बाहु त्रिभुज हमने बना दिया, और यहाँ पे इसकी दो भुजा क्या है, बराबर, तो ये हमने दो भुजा बराबर कर दिया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है बच्चे, हाँ या ना, भाषा समझिए, क्लियर है, तो दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा समान भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो जो समान भुजा है बराबर भुजा है उनसे तीसरी भुजा जो ये वाली है वो कितने सेंटीमीटर अधिक है, 10, कितनी अधिक है, 10। तो अगर हम इन दोनों समान भुजा को हम मान लेते हैं ए और इसको भी क्या मान लेते हैं ए, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, लेकिन जो तीसरी भुजा है वो कितने सेंटीमीटर अधिक है, 10, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 10, क्लियर है, समान भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो समान भुजा ए है तो ये क्या होगा, ए प्लस 10, सही है, ठीक। अब पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, तो आपको इसकी लंबाई पूछा है, ए प्लस 10 की वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन क्लियर है, आपको क्या पूछा है, ए प्लस 10 की वैल्यू, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, अब ए प्लस 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस 10 निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, ए, क्या चाहिए, ए, और ए निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर दिया होगा, बिल्कुल दिया है, इनका क्या दिया है, परिमाप, क्या दिया है, परिमाप, और परिमाप कितना दिया है बच्चे, 100, और परिमाप का क्या होता है, मतलब बाउंड्री का सम, तो बाउंड्री का सम करोगे तो ए प्लस, ये तीनों को भुजा, तीनों को जोड़ोगे तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3, तो ए प्लस 10, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 100, तो ये क्या हो गया, 3 है, और 10 उधर जाएगा तो 90, तो ए बराबर हो जाएगा 30, तो ए का मान कितना आ गया, 30, अब ए का मान 30 आ चुका है, तो आपको तीसरी भुजा पूछा है, तो तीसरी भुजा क्या है, ए प्लस 10, तो ये हो गया 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चे, 40, और यही क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, लिख, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन में दम था क्या, है ना आसान, बढ़िया क्वेश्चन, सही है, क्लियर, लैंग्वेज बेस्ड, इनको क्या बोलते हैं, भाषा पर आधारित, केवल लैंग्वेज पढ़ना, क्वेश्चन का जवाब देना है, सभी ने लिख रहे हो क्या, कि लिख लियो, लिखो जल्दी लिखो, उसके बाद और बढ़िया क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को, चारों समझ में आया, ठीक, अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो सब किसके हैं, ट्राइंगल के क्वेश्चन, चलो कुछ और पॉइंट्स भी हम बताते चलेंगे, रुको किसी का आया है चैट, 40, वेरी गुड बच्चे, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बिल्कुल सही था, ठीक है, देखिए अब अगले में देखिए बच्चे, अगला सवाल आपके सामने है, देखो बच्चे अब इसको देखो एक बार अच्छे से देखना, ये बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है क्या दिया है, सम द्विबाहु त्रिभुज, अब सम द्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं बोला था ना बीच बीच में बताते चलूंगा क्वेश्चन पढ़ाते हुए, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 72, पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है उसके बाद पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, एक सम द्विबाहु, सम द्विबाहु हम किसको बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर, उसे हमने क्या नाम दिया है, सम द्विबाहु त्रिभुज, क्लियर है, तो एक समबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप दे दिया है बच्चे कितना, 72, ठीक है, तो एक त्रिभुज बना भी लेते हैं कहीं पे, ये बना लो ऐसे, ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज की खास बात, दो भुजाएं क्या है इसकी, बराबर,
ठीक है, ठीक है यहाँ तक। और इसका परिमाप दे दिया है 72, कितना दे दिया है 72 दे दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ये लिख लेते हैं, परिमाप कितना दे दिया है 72 है। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, और समान भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, कितनी है? ठीक है, इफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 26 सेंटीमीटर, और समान भुजा की लंबाई, और समान भुजा की लंबाई मतलब जो बराबर भुजा है उनकी लंबाई दे दिया है कितना, 26, मतलब ये भी 26 है और ये भी क्या है, दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई दे दी है, समान मतलब वही बराबर वाली जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितना दिया है, 26। क्लियर, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यही दिया है कि कुछ और दिया है? इफ वन ऑफ द इक्वल साइड 20 द फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बस इतना ही है। समान भुजा की लंबाई कितना दे दिया है, 26। क्लियर है। अच्छा इनका पेरीमीटर कितना दिया है, 72, कितना दिया है 72। ये बताइए 26 और 26 कितना होता है, 52। क्या ये वाला लेंथ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, इन तीनों का सम क्या होता है, टोटल 72। तो यहाँ पे 26 प्लस 26, तीसरी भुजा का नाम सी दे देते हैं, और प्लस सी बराबर कितना दिया है, 72। 26 26 52 है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 72 में से कितना घटा देंगे, 52। तो ये आ जाएगा कितना, 20। कितना आ जाएगा, तो ये सी कितना आ गया, 20। ठीक है, क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका क्या निकालना है हमें, एरिया, क्या निकालना है, एरिया। एक रास्ता यह है कि सर हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एरिया का, सम द्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि सम द्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला थोड़ा होता है कॉम्प्लिकेटेड, तो वो फॉर्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा। सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन उस बड़े को आसान करने के लिए मैंने आपको बताया था मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, डायरेक्ट, लेकिन पहले मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। तो मैंने समद्विबाहु त्रिभुज फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था ये बताइएगा, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था बताएं एक बार जल्दी से। एरिया का फॉर्मूला था बच्चे C/4, ये B मतलब A A, और इसका नाम मैंने क्या दिया था, B। अच्छा C की जगह B लिख दूं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ना, लेकिन याद रखना इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ B लिख दिया क्योंकि नहीं तो फॉर्मूला आप लोग सोचोगे अलग हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था B/4 अंडर रूट ऑफ 4a² - b² ये बच्चे इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था, क्षेत्रफल का सम द्विबाहु त्रिभुज का। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व, b कितना है बच्चे, 20, 20 बटे क्या हो जाएगा, 4, और ये अंडर रूट 4, और a कितना है बच्चे, 26, तो आपको 26 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और फिर क्या करना है, माइनस b² b कितना है बच्चे, 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। समझ रहे हो, हाँ या ना? ये बताओ इसको कैलकुलेशन को करने में समय लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन फिर भी हमारा कैलकुलेशन अच्छा है तो हम कर भी लेंगे, दिक्कत नहीं, हम करके दिखा देते हैं पहले। तो ये बताओ 4 5 क्या हो जाएगा, 20, यहाँ पे 5 आ गया, रूट है ये 4 है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और ये माइनस कितना है, 20 का स्क्वायर, 400। तो पहले इसका 4 का गुणा करेंगे, फिर 400 से घटाएंगे, फिर रूट निकालेंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे, तब जाके क्या आएगा, आंसर। कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाया है, गुणा करना भी आपको क्या बोलते हैं वैदिक वगैरह में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप ये कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, कर सकते हैं अगर आपने सीखा है, ठीक है। लेकिन ये बताओ फिर भी इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और इसमें गलती होने के चांसेस भी हैं कि नहीं, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन ये काम हमसे आना चाहिए, समझ रहे हो, हाँ या ना? तो ये काम आप घर में कर सकते हैं, गुणा उड़ा कि गुणा करना सिखाऊं, फिर माइनस करना सिखाऊं, फिर रूट निकालना सिखाऊं, ये सिखाना है क्या, अभी नहीं सिखाना, ये कब सिखाना है, वैदिक वगैरह में। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं कुछ बच्चे मालूम है किसमें अपना पूरा जीवन का उद्देश्य क्या, समझ, यही सीखने में, बाकी उनको क्वेश्चन से लेना देना नहीं, तो ये सीखने में उद्देश्य मत वो करो। क्लियर है कि नहीं, करना चाहोगे तो कर सकते हो, 4 का गुणा करते तो आना चाहिए ना, ठीक है, और फिर माइनस करने भी आना चाहिए, फिर रूट निकालने भी आना चाहिए, तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज आएगा हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे, और डायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने वहां पे नहीं बताया था, अभी मैं बताने वाला हूँ। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना?
तो दो चीजें पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं बताते हैं। चलिए यहां ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, बाकी सॉल्व तो हो चुका है हमारा। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, क्या है ये समबाहु, और समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है इसकी, बराबर, सही है। और ये क्या नाम है इसका, बी। एक बात याद रखिएगा, जब मैं यहां पे क्या खींचू, लंब, क्या खींचू, लंब, लंब मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को और अच्छे से बोले तो क्या बोल सकते, ऊंचाई, क्या बोल सकते हैं, किसकी ऊंचाई, यहां से ऊंचाई मैंने खींचा, और इसकी खास बात होनी चाहिए कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये, 90, कितना बनाएगा। तो याद रखिएगा, अगर दो भुजाएं बराबर है, अगर दो भुजाएं और उसके बीच वाले शीर्ष से अगर लंब खींचा जाता है, फिर से बोल रहा हूँ, दो भुजाएं बराबर हैं और उसके बीच वाले शीर्ष से लंब खींचा जाता है, तो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में, जैसे ये पूरा बी है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, ये वाला बी बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा, बी बाई टू। समझ में आया, ठीक है। तो क्या है कि, अच्छा, लेकिन अगर मान लो यहां से मैं लंब खींचता हूं, सुनना ध्यान से ना, अगर यहां से लंब खींचता हूं, क्या ये बराबर भागों में बांटेगा, नहीं बांटेगा। क्यों नहीं बांटेगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है क्या, ये तब बांटेगा जब दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर, तो यहां पे नहीं बांटेगा बराबर बराबर, क्लियर है कि नहीं। तो मुद्दे की बात यह है कि जब दो भुजाएं बराबर होती है, ये सबके लिए वैलिड है, केवल समद्विबाहु के लिए नहीं, सबके लिए, क्या अगर कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है और उसके बीच वाले शीर्ष से, वर्टेक्स से, अगर हम कोई लंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं, लंब, तो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ये प्रॉपर्टी, क्लियर है सभी को, हाँ या ना, ठीक है। तो अब मैं फिर से पूछता हूं आपसे, क्या अगर मैं यहां से लंब खींचता, क्या ये दो बराबर भागों में बांटता, बांटता, क्यों, क्योंकि ये ए है और ये क्या है, बी। क्या मैं यहां से खींचता तो क्या ये बराबर होता, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ए है, ये बी है। समझ में आया सभी को, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। अब एक बात और, अगर मान लो समबाहु त्रिभुज होता, कौन सा त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर अब मैं लंब खींचता, क्या खींचता, यहां से लंब खींचता, क्या ये दो बराबर भागों में डिवाइड करता, हाँ या ना, बिल्कुल। यहां से खींचता तो भी बराबर भागों में डिवाइड करता, करता, क्योंकि ये भी ए, ये भी, समझ रहे हो कि नहीं, यहां से खींचता तो भी बराबर करता, हाँ या ना। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए लंब खींचते हैं, तो नीचे वाले बेस को वो दो बराबर हिस्सों में बांटता है, आधार को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हैं, उनके बीच वाला लंब खींचते हैं, तब बराबर बांटता है, क्लियर है कि नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसको अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लो जल्दी से। अब तुम सोच रहे होगे थ्योरी लिखवाइए सर, अपने से लिखो ना यार, वहां से नहीं समझते क्या, थोड़ा सा बोल देंगे लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बड़ा बनना है, थोड़ा जितना आपको खुद लिखना है, क्या लिखेंगे हम बोल दे रहे हैं, लिखिएगा, किसी भी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं, किसी भी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के बीच शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के शीर्ष से, के शीर्ष से खींचे गए लंब, खींचे गए लंब, खींचे गए लंब हमेशा, खींचे गए लंब हमेशा सामने वाली भुजा को, खींचे गए लंब हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में, सही, दो बराबर हिस्सों में, लिख लिया समय। अब सुनो बोर्ड में देखना, यहां से मैंने क्या खींच दिया, लंब, क्या खींच दिया, लंब, क्या खींच दिया, मुझे मेरा लक्ष्य क्या था, मुझे क्या निकालना था, एरिया, क्या निकालना था, तो मैंने लंब खींच दिया। अब लंब खींच दिया यहां पे, तो ये बताओ ये बी से तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, कितना हो गया, हो गया 10। ये बताओ ये 26 है, ये 10 है, क्या ये हाइट निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे निकालूंगा,
पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये भी बता चुका हूं मैं। तो ये जैसे 90 डिग्री है, सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और एक होगा लंब और एक होगा आधार, लंब और ये आधार। तो आपको पढ़ाया क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार है उसको। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये बताइए यहाँ पे कर्ण कितना है, 26। तो 26 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये निकालना है, यही लंब निकालना है h। और आधार कितना है, 10, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से h आ जाएगा, हाँ या ना। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। 10 का स्क्वायर 100, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 100। और ये h स्क्वायर, हाँ या ना। क्लियर है? तो 676 में से अगर आप यहाँ पे 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 576। और ये h स्क्वायर, 576 कितने का स्क्वायर होता है, 24 का। किसका होता है, 24 का। तो याद रखना 576। ये रूट याद नहीं है तो आपको मैं स्क्वायर रूट अलग से पढ़ाता हूँ मैं क्लास में, तो जब आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी याद रखना 24 कितना आ जाएगा, 24 कितना आ जाएगा, तो h आ गया 24। क्या ये क्लियर है सभी को? हाइट निकल गया, क्या निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, एरिया। और एरिया का सबसे आसान फॉर्मूला होता है बच्चे, एरिया का फॉर्मूला तो सभी दुनिया को पता है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू, किसी भी ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 आधार कितना है, 20। अरे आधार इसका 10 है ना, पूरा ट्राइंगल का निकालना है ना, पूरा आधार कितना है, 20। और हाइट कितना है, 24। 2 10 24 × 10 कितना हो गया, 240। क्लियर है कि नहीं, समझ में, हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा हो, सर ये बताओ यहाँ पे इतना करना पड़ा, इसे अच्छा वही ना कर ले, आया होगा ना। तो ये जो कर रहे हो ना, ये काम भी हम खत्म करा देंगे, ये भी नहीं करना है। ये जो कर रहे हो ना, ये जो पूरा लिखे हो ना पाइथागोरस थ्योरम, ये नहीं लगाना है पेपर में, ये बेसिक सिखाए इसलिए बताएं। अभी हम बताएंगे इसमें ट्रिपलेट यूज करवाएंगे, क्या यूज करवाएंगे, और वहां पे ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही तुम बता दोगे कि हाइट कितना है, और हाइट कितना है तो बेस इंटू हाइट करके फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है कि नहीं? अब वो चीज सिखाएंगे किसमें, ट्रिपलेट, किसमें सिखाएंगे, जो कि अभी हम कल बताएंगे, आज नहीं, आज बताएंगे तो लंबा खिंच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए यहां तक क्लियर है? तो अभी हमको इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं था, हमने कुछ नहीं किया, 26 26 20 था, एक लंब खींचा तो 10 हो गया। अगर ट्रिपलेट याद होता तो हाइट पता चल जाता, 1/2 बेस इंटू हाइट सीधा। क्लियर है कि नहीं? अब वो पता चल जाएगा ट्रिपलेट के माध्यम से। क्लियर है कि नहीं? बाकी ये डिटेल वाला जो तरीका बताया इसको लिख जरूर लेना, ठीक है ना, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है नोट करके लिखिए, और कल हम इसका बताएंगे, इसके ये वाला पोर्शन को कैसे स्किप करेंगे, कैसे हटाएंगे, पहले हम इसी पे चलेंगे फिर हम आगे करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो कल की क्लास रहेगी, शुरुआत किससे करूंगा मैं, ट्रिपलेट से। किससे शुरू करूंगा, पहले ट्रिपलेट का कंसेप्ट समझाऊंगा, ट्रिपलेट क्या होता है कल बताऊंगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन कराऊंगा। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट है तो कर लेंगे सभी, नोट करके लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। इसका रिवीजन कर लेना 500 क्वेश्चन का, आप ये फॉर्मूला वाला भी लिख लेना और ये दूसरा वाला तरीका भी लिख लेना, कल जादुई तरीका बताएंगे। कल से ट्रिपलेट जब बताएंगे तो ये टॉपिक हो जाएगा एकदम हल्का, एकदम ईजी। क्लियर है कि नहीं? फिर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बात समझ में है? पूरा आपका रोमबस वोमबस के क्वेश्चन भी पूरा ट्रिपलेट से बनेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है, इसको पहले डिटेल से लिख लो। एरिया निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये पूरा बेस है और ये हाइट है, तो हाइट निकालना था, बेस तो दिया था। क्लियर है कि नहीं? अब बेस हाइट निकालने के लिए हमने इसको आधा किया था। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।